हमारे साथ अलका जुड़ी हैं मुंबई से। अलका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डॉक्टर जी, साहब। गुड मॉर्निंग, फरमाइए। जी सर, मुझे जो मेरे पीरियड्स हैं वो टाइम पे तो नहीं आते हैं, एक एक दो दो महीने हो जाते हैं और मेरे चेहरे पे कुछ बाल आने शुरू हो गए हैं, जी लाइक चिन पे आने शुरू हो गए हैं। जी जी ये जो अभी आप बता रहे हो कि सारे जो सिम्टम्स हैं वो 100% पीसीओडी या पीसीओएस दोनों के अंदर ये सिम्टम्स आते हैं। अब होता क्या है कि ये जो ओवरी होते हैं इसके अंदर मर्दों के हार्मोन भी होते हैं और महिलाओं के हार्मोन भी होते हैं, मगर महिलाओं के हार्मोन ज्यादा होते हैं, यानी जो है इनका ईस्ट्रोजन ज्यादा रहता है। की खराबी है, अगर इसको ठीक ना किया जाए तो इसका इलाज तो दूसरे मॉडर्न मेडिसिन के अंदर कोई इसका इलाज आज तक भी नहीं है। सिर्फ थोड़े बहुत जो है वो टैबलेट्स देते हैं वजन को कम करने के लिए और थोड़े बहुत हार्मोन के लिए, मगर बाद में चल के ये जो है इंजेक्शन और टैबलेट लेने से पूरा सिस्टम खराब हो जाता है और उसके बाद कभी भी जो है औरत कंसीव नहीं हो पाती। तो बेहतर ये है, आपको मैं सजेशन ये दूंगा अलका जी कि आप अपना अपना अल्ट्रासोनोग्राफी जो है आप अपना जो भी है रिपोर्ट्स आप हमें अपने हॉस्पिटल के नंबर पे भेजें, तो हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो है लेडीज डॉक्टर हैं, एमडी डॉक्टर हैं, वो आपसे बात करेंगे और आपसे बात करने के बाद आपका ट्रीटमेंट बोलेंगे। ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर इस्तेमाल करना है 4 to 6 मंथ, तो ये कंप्लीटली अच्छा हो जाएगा तो फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ में मैं आपसे कहूंगा कि आप जंक फूड ना इस्तेमाल करें और रात में आराम से सो जाएं 7 से 8 घंटे और साथ ही साथ फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें।